नगर की होगी, जहां पर बलरामपुर जिले में दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर एसपी ने पुलिस महकमे पर लग रहे आरोपों की जांच करने के बाद अब कार्रवाई की बात कही है। दरअसल रघुनाथ नगर क्षेत्र में एक नाबालिग को दो आरोपियों ने 1 अक्टूबर को घर से अगवा कर जंगल ले गए थे, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं आरोपियों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनसे आरोपियों को बचाने के लिए पैसे की मांग कर रही थी, जिसके चलते उन्होंने पुलिस को 19,500 रुपए की रिश्वत भी दी थी। इसके बाद भी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बलात्कार के मामले में छोड़ने के लिए रघुनाथ नगर के स्टाफ लोग 5,000 पैसा मांगे और मेरे पति को थाना में डाल दिए गए। मैं इसी कार्रवाई करने के लिए यहाँ आई हूँ। लड़की वाले केस किए और हमारे लड़का को बलात्कार करने के लिए उन्होंने 5,000 रुपया दिए और लेने के बाद गाड़ी भी हमारा बाइक भी रख लिए और फिर जेल भी डाल दिए। हमारे छोटा भाई था 14,500 रुपये उनके से भी ले लिए छोड़ने का नाम कर दिए। कोई लापरवाही बरती है या रिपोर्ट ना लिखने की कोई बात आई थी, इस बात के लिए हमने जो है एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को जाँच के लिए भेजा हुआ है और जैसे जांच हमारे पास आता है उसके आधार पर लगातार कार्रवाई जो होगा विभागीय स्तर पर कार्रवाई है। अब आज नरसिंहपुर की जहां पर आवारा पशुओं